So in the last class, we were discussing about the air and fuel, and we were discussing about also what we will call as air. या ऑक्सीडेंट जो होता है उसे हम ऑक्सीडेंट किसे कहेंगे, और साथ ही साथ हमें ये देखना है कि जो हमारा फ्यूल है उसे हम फ्यूल जो है हम फ्यूल किस पार्ट को कहते हैं। तो अब यहाँ पे जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो फ्यूल होता है दैट इज बीइंग मेड, सो दैट इज बीइंग सपोज टू बी मेड। यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ये कहना है कि एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या चीज़ है, पर लेकिन हम मानते हैं कि ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बरियल से वो बना हुआ है, तो जो इस तरह की जो चीजें थी वो थोड़ी हमने डिस्कस की थी, तो उससे आगे चलते हैं। तो लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे उसमें मेन पॉइंट ये था कि जो हम बात कर रहे हैं इंटरनल कम्बशन इंजन की, और उसमें जो हम फ्यूल लेके चल रहे हैं, फ्यूल को जैसे मान लीजिए पेट्रोल को लेकर चल रहे हैं, डीजल को लेकर चल रहे हैं, तो उस फ्यूल के बेस पे, उस फ्यूल के आधार पे जो हम इंजन बना रहे हैं, उस इंजन में ये कहीं भी डिसाइड नहीं होता कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो एग्जैक्टली इसी तरह की होगी या केमिकल रिएक्शन यही रूप फॉलो करेगा। तो लेकिन अब मान लीजिए हम बात करते हैं फ्यूल की, तो फ्यूल में के अंदर, अच्छा यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो एक बात और समझने की है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, जिसके सेल मतलब जहाँ पे सेल बने हुए हैं, तो ह्यूमन बॉडी के जो सेल होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बने होते हैं, जबकि जो फ्यूल होता है दैट इज बीइंग मेड ओनली फ्रॉम द कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन उसमें से चला जाता है। तो अभी तक साइंटिस्ट को ये भी क्लियर नहीं है एग्जैक्टली कि वो कौन सा प्रोसेस था जिसमें कार्बन हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को निकाल दिया। हेलो, हाँ बताइए सर। हाँ बोलो। अब जो भी लिख रहे हो हमें उल्टा दिखाई दे रहा है सर। अच्छा एक मिनट रुकिए, अब सर, अब ठीक है, अब सही है सर। तो अभी जो हमारे पास मतलब फ्यूल है उसमें वो मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो कैसे निकला उसके बारे में भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जिनके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए जो भी हम बात करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए एस्टिमेटेड रिजर्व लिखेंगे कि एस्टिमेटेड रिजर्व कितने हैं। रिजर्व का मतलब ये है कि हमारे पास एग्जैक्टली ऑयल की क्वांटिटी कितनी है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली नोन टू अस, वो भी एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए उसको एस्टिमेटेड कहा जाता है। पर लेकिन एस्टिमेटेड का मतलब ये नहीं है कि भाई वो बिल्कुल गलत है। तो उसमें ये लगा लीजिए कि जहाँ पर हमें पेट्रोल या पेट्रोल लेना होता है तो 70-80% जो हम मान के चलते हैं वैसा रहता है उसके अंदर, और उसी के ऊपर जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है, मेन बात है, वो ये है कि ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में व्हाट वी हैव डन इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन दैट प्रोसेस वी हैव सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हमने फ्यूल के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे फ्यूल के कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया गया है। तो अब जब हम बात करते हैं कंबस्टन की, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं। अब उसमें दूसरा पार्ट ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अब आपको पता है कि इफ वी टॉक अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन अगर मान लीजिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, देन विच वन विल बी लिबरेटिंग हायर अमाउंट ऑफ द एनर्जी। सो वी नो दैट H2O एंड CO2 आउट ऑफ दीज H2O विल बी एमिटिंग मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो आई कैन से दैट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस हाइड्रोजन इज मच हायर देन कार्बन। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन की, मतलब हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो उससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं H2O, दैट इज हैविंग हायर कैलोरीफिक वैल्यू, एंड कार्बन इज हैविंग लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, CO2 जो बनता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा फ्यूल है जिसमें कार्बन बाय हाइड्रोजन रेशियो लो है, मीन्स टू से इफ वी आर हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्यूल,
देन इट विल बी अ बेटर फ्यूल बिकॉज इट विल बी गिविंग अ बेटर कैलोरी फिटनेस. तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास CH4 है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है, दिस रेशो विल बी टेकन बाय द एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो बर्निंग होती है, कंबस्शन होता है, रिएक्शन होता है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स हैं. इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि मास कितना है. तो मास का यहाँ पर रिलेशन नहीं है, यहाँ पर जो रिलेशन है वो कार्बन हाइड्रोजन के नंबर का, कि कितने कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास हैं. तो यहाँ पर 1:4 का रेशियो. अगर मान लीजिए यही मैं C4H10, जबकि दोनों एल्केन्स हैं, तो अगर यहाँ पे रेशियो निकालते हैं 4:10, सिंप्लीफाई करने पे दैट विल बिकम 1:2.5. सो वी कैन से दैट इन दिस फ्यूल द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो रेशियो है वो कम है. यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम हैं इन कंपेरिजन टू कार्बन वो कम है अगर हम उसको मिथेन से कंपेयर करें. तो अगर मान लीजिए सेम मास, यानी कि आपको 1 किलोग्राम ऑफ दिस फ्यूल दिया गया है और 1 किलोग्राम ऑफ दिस फ्यूल की मिथेन है, और अगर मान लीजिए कि 1 किलोग्राम ही ब्यूटेन है, तो उस केस में जो मिथेन है दैट विल बी गिविंग हायर कैलोरीफिक वैल्यू बिकॉज इट इज हैविंग द हायर कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन. Due to the higher content of the hydrogen, so we can say that methane will be giving a better calorific value in comparison to butane. So, इसलिए international market की जब हम बात करते हैं, international market में जैसा कि मैंने आपको बताया जो petroleum है, petroleum के अंदर कम से कम 20,000 compounds होते हैं carbon hydrogen के, और उनको हम separate नहीं कर सकते भी, और separate करने का कोई logic भी नहीं है, कोई benefit नहीं है कि आप वो 20,000 कंपाउंड को सेपरेट करो फिर उनका एनालाइज करो, तो उससे कुछ एस्टिमेट या कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है. तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या किया जाता है, जब फ्यूल की वैल्यू सेट की जाती है तो उसमें कार्बन बाय हाइड्रोजन रेशियो को चेक कर लिया जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो कितनी है सेम मास के अंदर. और जब हम कार्बन बाय हाइड्रोजन रेशियो को चेक कर लेते हैं तो उसके हिसाब से उसकी फ्यूल की कॉस्ट डिसाइड होती है. तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जो फ्यूल की कॉस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, that is being decided on the calorific value. So, calorific value के ऊपर defined होती है कि जो fuel है हमारे पास इसकी calorific value क्या है, that will decide the cost of that fuel. अगर उसमें hydrogen content ज़्यादा है the cost of the fuel will be higher, अगर hydrogen content कम है the cost of the fuel will be low. वैसे तो अगर आप देखेंगे universe के अंदर hydrogen वो element है जो सबसे ज़्यादा abundant में available है. पूरा sun, stars, every system is being made from the hydrogen. ये सब सिस्टम हाइड्रोजन के बने हुए हैं, पर लेकिन उनको यहाँ पे धरती पे नहीं लाया जा सकता, वो सन के पास है, सन जो एनर्जी दे रहा है दैट इज बीइंग गिवन बाय द यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन. तो लेकिन अर्थ के ऊपर भी देखें तो पानी के भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो पानी का बहुत ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से वी कैन से दैट वी आर हैविंग अ वेरी लार्ज क्वान्टिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑन दी अर्थ ऑल्सो, बट दैट वी कैन नॉट एक्सपेडाइट इजिली. पर उसका हम जो है एक्सपेडिशन वो आसानी से नहीं कर सकते. तो अब इसका मतलब ये है कि हम फ्यूल की जो बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, देन सी कि हमें कार्बन हाइड्रोजन रेशियो वहाँ पर क्या मिलता है. तो उसी के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोर्स का डिसीजन होता है कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है. सो इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर जो सर एक कंट्री में जो सर पेट्रोल अगर एक्सपोर्ट हो रहा है सर, सॉरी सर इंपोर्ट हो रहा है, तो सर वो सर मतलब उसमें सर जो हाइड्रोजन और कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो सर इक्वल होती है क्या सब जगह? नहीं नहीं, या ऐसा होता है सर उसमें सर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा. इवन अगर मान लीजिए आपने अरब कंट्री से पेट्रोल खरीदा, और अरब कंट्री में भी क्या है कि आपने दो अलग अलग जगह से पेट्रोल खरीद लिया, तब भी उस केस में उनकी कंपोजिशन सेम नहीं रहेगी, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन रेशियो वेरी करती रहेगी. तो जब आप एक ही कंट्री में दो अलग अलग जगह से पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन रेशियो वेरी कर जाती है, तो जो देश के अंदर पेट्रोलियम आ रहा है तो उसमें तो हाईली वेरिएशन रहेगा रहेगा. पर लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए ये कार्बन हाइड्रोजन रेशियो का वेरिएशन इतना ज्यादा है
तो फिर उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं? तो इस केस में क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का रेशो है उसे 6 मंथ के लिए फिक्स किया जाता है। 6 मंथ के लिए फिक्स करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम यूएई से पेट्रोल खरीद रहे हैं या इराक से तेल खरीद रहे हैं, तो उसमें जो हम उससे बात करेंगे तो तब उसमें ये फिक्स किया जाएगा कि जो आप हम पेट्रोलियम सप्लाई करोगे उसमें कार्बन हाइड्रोजन रेशो कितना होना चाहिए, और वो जो रेशो है वो लगभग लगभग 6 मंथ तक वेरी नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो वो जो 6 मंथ का पीरियड रहता है तो उसी को कंट्रोल करते हैं और उसी के बेस पे कि भाई 6 मंथ का हमारे पास पीरियड है उसको कंट्रोल करा जाएगा। तो मार्केट के अंदर भी जो कार्बन हाइड्रोजन रेशो है वो 6 मंथ के लिए ऑलमोस्ट फिक्स किया जाता है। उसके बाद फिर सप्लाई पे देखते हैं, अगर सप्लाई इस तरह की मिलती है तो उसी के बेस पे कार्बन हाइड्रोजन रेशो रहेगा, अगर सप्लाई में वेरिएशन आ जाता है तो प्रोसेस को थोड़ा बहुत चेंज करके उसको वेरिएट किया जाता है। तो उस केस में कि अगर मान लीजिए आपने प्रोसेस को वेरिएट करना है तो उसमें हाइड्रोजन का रेशियो क्योंकि आपको चेंज करना है, तो आइदर वी कैन डू द हाइड्रोजिनेशन ऑफ दी फ्यूल, तो फ्यूल के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है बाहर से, तो उसे उसको वेरिएट करवा लिया जाता है। और जैसे आपने ये भी देखा होगा कि पानीपत के अंदर एक रिफाइनरी है तो उसको ऊपर लिखा होता है नेप्था क्रैकिंग प्लांट कि भाई ये नेप्था को क्रैक कर रहा है। तो जो नेप्था है, नेप्था क्या है, नेप्था इज अ हैवियर पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम का वो पार्ट है जिसके अंदर हैवियर एलिमेंट्स हैं। हैवियर एलिमेंट का मतलब जिसमें लॉन्ग चेन एलिमेंट्स हैं। तो जो पेट्रोल होता है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन, मैं यहाँ कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान देना कि उसमें जो कंसंट्रेशन है वो लोअर चेन की ज़्यादा होती है, लोअर मतलब छोटी चेन 7-8 तक के उसमें कार्बन आइटम होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एवरेज भी लगभग उसका उतना ही निकलता है। तो इसलिए उसमें क्या है, लोअर जो चेन होती है या लोअर कार्बन के जो एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। अब नेप्था में क्या होता है, नेप्था में लॉन्ग चेन होती हैं, तो नेप्था क्रैकिंग मतलब उसको क्रैक कर देना, क्रैक का मतलब होता है उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। तो नेप्था को फिर क्या करते हैं कि जो हायर कार्बन का कंपाउंड है, लॉन्ग चेन का कंपाउंड है, उसको 2 या 3 छोटी छोटी चेन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और 2-3 छोटी छोटी चेन्स में डिवाइड होने के बाद वो लगभग लगभग पेट्रोलियम या डीजल की तरह, पेट्रोल की या डीजल की तरह बिहेव करता है। तो वो इसलिए करना पड़ता है कि जो सप्लाई हमें मिल रही है पेट्रोलियम की और उससे जो हम पेट्रोल या डीजल निकाल पा रहे हैं दैट इज नॉट सफिशियंट, तो इसलिए जो हायर ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, हायर चेन लॉन्ग चेन के एलिमेंट्स हैं, उनको भी स्मॉल चेन में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज बीइंग डन इन नेप्था क्रैकिंग प्लांट। सो आई थिंक आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, इज देयर एनी फर्दर यू कैन डिस्कस? थैंक यू सर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, हाँ बताइए। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट और आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एस्टिमेटेड रिजर्व, कि मतलब जो भी हम चीज कर रहे हैं तो रिजर्व भी जो है पेट्रोलियम के वो एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट रिजर्व नहीं है। ये नहीं कह सकते कि इस दुनिया के अंदर एग्जैक्टली इतना ही पेट्रोलियम अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि भाई जो पेट्रोलियम अवेलेबल है उसमें से कितना हम यूज़ कर चुके हैं या कितना हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कॉस्ट के ऊपर। कि जैसे मान लीजिए अब आप बाज़ार में जाते हैं, आपको बाज़ार में जाने के बाद एक शर्ट खरीदनी है, तो अब जब आप शर्ट को खरीदेंगे, सिंपल मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि भाई मैं बहुत लो लेवल की शर्ट भी नहीं लूँगा क्योंकि वो सिंथेटिक कपड़े की बनी हुई है और दैट कैन हार्म माई स्किन और उसमें प्रॉपरली कम्फर्टेबली मुझे फील नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि मैं ये शर्ट नहीं खरीदूंगा। फिर आप देखेंगे कि मेरा बजट कितना है, अगर मान लीजिए आपका बजट हाई है, बजट ज़्यादा है, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे कि फिर देखेंगे कि भाई चलो मैं 1000-2000 रुपये तक की शर्ट खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं फिर मान लीजिए बजट के हिसाब से 5000 भी नहीं जा सकता, तो मैं 5 की नहीं लूँगा, फिर मैं 1000-2000 के हिसाब से ढूंढूंगा। ऐसे ही इसे पेट्रोल वाले केस में होता है कि अभी जैसे मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस 90 हो गया, अभी फ्यूचर में जाके मान लीजिए 150-200 रुपया हो जाता है, और क्योंकि गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो गाड़ी में जो अगर मान लीजिए आपने इनिशियल कॉस्ट उसमें 10 लाख की लगाई है, तो गाड़ी अपने पूरे जीवन में जब वो चलती है तो वो 2 या 3 लाख किलोमीटर के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो 2 लाख 3 लाख चलने पे उसके अंदर जो पेट्रोल खर्च होता है वो 10-12 लाख या 15 लाख का होता है अभी एट प्रेजेंट की कॉस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए वही पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उस केस में आप क्या देखेंगे, उस केस में देखेंगे गाड़ी तो मेरी 10 लाख की है लेकिन वो जो अपना उसका पूरा लाइफ साइकिल है, पूरा जीवन है, उसमें वो 30-40 लाख का पेट्रोल पी जाती है, 30-40 लाख का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जो टोटल कॉस्ट है उसका 20-25% उसका इनिशियल कॉस्ट है और बाकी 75% ऑपरेटिंग कॉस्ट है।
तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से चलेंगे कि भी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ अल्टरनेट फ्यूल देखना चाहिए या अल्टरनेट फ्यूल की गाड़ी देखनी चाहिए जिससे कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, जब कॉस्ट बढ़ती है तो उस तरह से वहाँ से शिफ्ट होकर उस चीज़ पर आ जाते हैं जिसका कॉस्ट इनिशियल तो चाहे ज़्यादा हो पर लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाए। तो वो जो कॉस्ट वाला मैटर है तो वहाँ पे आके सेट हो जाता है। तो अभी अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि हम जो पेट्रोल निकाल रहे हैं और इंडियन पीपल यहाँ 85 रुपीज पर लीटर देने के काबिल हैं तो ये पेट्रोल आता रहेगा और हम उसे यूज़ करते रहेंगे, लेकिन वही चीज़ मान लीजिए 185 की हो जाएगी तब फिर हम कहेंगे कि नहीं ये हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है, वी विल गो फॉर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल और सम अनदर व्हीकल। तो जो पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन है, जो पेट्रोलियम का निकालना है, वो भी इसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट वैल्यू क्या है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी देन वी कैन पुट मोर मनी टू एक्सट्रैक्ट मोर पेट्रोलियम फ्रॉम दी वेल, जो डिफिकल्ट था पहले निकालने में, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, तो उसका वैल्यू बढ़ने से उसको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए उसका वैल्यू कम है तो फिर हम उसको निकालने का रिस्क नहीं लेंगे, देन वी विल गो फॉर दी अल्टरनेट रिसोर्स। तो अब इसमें अभी तक जो मतलब कि हम बात कर रहे थे, तो अभी तक एसफाल्ट बेस, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एसफाल्ट बेस हम पेट्रोलियम निकालते रहे हैं, एसफाल्ट को बहुत लंबे टाइम से, बहुत पुराने टाइम से यूज किया जाता रहा है। जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो इसको रोड बनाने में और दूसरा उसमें बनाने में काम करती रही हैं। अब दूसरा एक आजकल जो आ रहा है वो आ रहा है शेल ऑयल। अभी अमेरिका ने नई रिसर्च की है, तो शेल ऑयल जो वर्ड है, शेल मतलब पत्थर से बना, ये मतलब शेल जो होती है पत्थर। तो जो पेट्रोलियम का कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए कुछ जो समुद्र है उसके सरफेस पे इकट्ठा हो गया, पर कुछ जो पार्ट था पेट्रोलियम का धीरे 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 जो अमेरिकन बेसिन है वहाँ पर पत्थरों में, रॉक्स में इकट्ठा हो गया और वो काफ़ी हार्ड हो गया। तो जो वहाँ से वो पेट्रोलियम निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज शेल ऑयल। तो शेल ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जितना मतलब कि अब तक हमारे पास पेट्रोलियम के रिजर्व मिले हैं उतना ही या उससे ज़्यादा क्वांटिटी में शेल ऑयल के रिजर्व हैं। तो ये सोचना या ये कहना कि नियर फ्यूचर में पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, तो ये मतलब मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। पेट्रोलियम कम से कम मान के चले 40-50 साल तो चलेगा चलेगा, अभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कम से कम, क्योंकि अगेन ये एस्टिमेटेड रिजर्व है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कितना चलेगा, पर ये मान के चलते हैं कि 40-50 साल तो ख़त्म होने वाला नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो पॉइंट है, दैट इज कॉस्ट, कि भाई उसका पैसा जो हम दे रहे हैं, तो क्या हमें लग रहा है कि वो पैसा जो हम दे रहे हैं वो देना एक अच्छी चीज़ है या एक इकोनॉमिकली वायबल है? अगर वो चीज़ वायबल है देन वी विल पे, अगर वो वायबल नहीं है देन वी विल नॉट पे फॉर दैट, ठीक है। लेकिन अब इसका बात का हमारे सब्जेक्ट से क्या संबंध है? तो इस बात का हमारे सब्जेक्ट से रिलेशन ये है कि जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर एक ऐसे इंजन को पढ़ना चाहते हैं या एक ऐसे इंजन को समझना चाहते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर कंपोजिशन पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये पार्टिकुलर कंपोजिशन की जो बात मैं कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि जैसे आजकल फ्यूल सेल के बारे में आप सुन रहे होंगे, फ्यूल सेल होता है या मान लीजिए एक बैटरी होती है, ठीक है, या एक सेल है जो हम घरों में यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए फ्यूल सेल है तो उसमें हाइड्रोजन फीड किया जाता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वो H2O बना देता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फ्यूल सेल में हाइड्रोजन की बजाय दूसरा एलिमेंट डाल दिया, दूसरा केमिकल डाल दिया कि जिसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू तो है, जैसे मान लीजिए आपने उसमें कार्बन डाल दिया और फिर उसका आप चाहते हैं कि फ्यूल सेल में ऑक्सीजन से रिएक्शन हो, तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो फ्यूल सेल क्या, फ्यूल सेल सिर्फ एक ही फ्यूल के लिए बना है H2, और उसकी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से होनी चाहिए तब वो काम करेगा। लेकिन इंटरनल कम्बस्टन इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल काइंड ऑफ फ्यूल या मल्टीपल केमिकल्स को डील कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर 20,000 कार्बन की चेन है पेट्रोलियम में, तो जो हम इंजन डिजाइन करना चाहते हैं दैट शुड बी कैपेबल टू डील ऑल दीज काइंड ऑफ केमिकल, वो उस तरह के केमिकल को डील कर सके। तो अगर मान लीजिए वो आपको सिस्टम बना पाते हैं तो वो आपका सिस्टम काम करेगा, अगर वो आप सिस्टम नहीं बना पाते हैं उस तरह का देन योर इंजन विल नॉट बी वर्किंग एफिशिएंटली। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो सारा खेल है, जो सारे चीज़ें हैं समझने की, वो यही हैं कि वो जो इंजन के डिजाइन की हम बात कर रहे हैं
इंजन के डिजाइन के लिए हमारे पास किस किस तरह के फ्यूल अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो वेरिएशन है फ्यूल में, और वो अगर मान लीजिए फ्यूल आ जाता है तो आप उसको एफिशिएंटली बर्न करें और जो उससे हीट लें दैट शुड बी यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर, तो वो हीट जो आपको मिल रही है उसका भी एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये जो काम करना है ये सारा सब्जेक्ट में हमें सीखना है कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। तो एनी डाउट टिल नाउ? सर शेल ऑयल बताएंगे एक बार? शेल ऑयल को देखिए आप ऐसे समझिए कि जब हम ये मान लीजिए खाना है हमने कहीं फेंक दिया उसको, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट जो जमीन है उसके अंदर चला गया, कुछ पार्ट उसका जो आसपास पत्थर पड़े हुए थे वहां पर चला गया। ऐसे ही क्या हुआ कि जब जो डेड एनिमल्स थे जो सी के अंदर थे या मान लीजिए वो अर्थ के ऊपर भी थे, वो वहां पे मान लीजिए जो सी है वो खत्म हो गया, तो वो जो डेड और डिकेड एनिमल्स थे तो वो क्या होते हैं कि बेसिकली पत्थरों पे चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब ये है कि वो रॉक के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो पानी है, पानी आपको पता है दैट इज पोलर सब्सटेंस, और जो पेट्रोलियम है या लिविंग बींग है दैट इज ए नॉन पोलर सब्सटेंस। तो पोलर और नॉन पोलर कभी कंबाइंड नहीं हो पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते, तो क्योंकि जो लिविंग बींग्स थे वो मर गए लेकिन वो नॉन पोलर सब्सटेंस थे तो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाए, उनका सारा पार्ट डिजोल्व नहीं हो पाया, कुछ पार्ट जो गैस में कन्वर्ट हुआ वहां से निकल गया, पर लेकिन गैस भी वहां ट्रैप हो जाती है। तो वहां पे जो पत्थर थे उन पत्थरों में जब वो फंस गए या जो पत्थरों में रहने वाले ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में मरते गए वहां पे फंस गए, तो वो फंसने के साथ साथ धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए एक हाइड्रोकार्बन में। अब क्योंकि वो जो पत्थरों में थे शेल में थे इसलिए उसको हम शेल ऑयल बोलते हैं, तो ये डिफरेंस है। और जो पेट्रोलियम होता है वो भी कुछ मतलब पत्थरों में मिलता है या जमीन के नीचे मतलब मिट्टी में के अंदर मिल जाता है, तो इस तरह की वो मिलता है। तो वी कैन ओनली डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस दैट इट विल बी समवट डिफरेंट इन केमिकल कंपोजिशन, ये थोड़ा हार्ड रहेगा और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी सी एस्फाल्ट बेस से कम रहेगी, बट इट विल बी गिविंग अस द कैलोरीफिक वैल्यू एंड वी कैन यूज द एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट ऑफ दिस शेल ऑयल इन इंटरनल कम्बशन इंजन, तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? अभी आप इतना देख लीजिए मैं अपना अटेंडेंस इतना छोटी क्वेश्चन तो यहाँ पे बताइएगा कोई क्वेश्चन है तो। और नेक्स्ट टाइम से जो भी स्टूडेंट हैं वो पूरा ना अपना रोल नंबर से एंटर किया करें, स्टूडेंट हैं जो रोल नंबर से एंटर नहीं कर रहे हैं तो दैट विल बी डिफिकल्ट इन आवर प्रीवियस सेशन। ठीक है, तो बातें करते हैं। अब आते हैं कम्बस्चन फिनोमेना पे, कम्बस्चन क्या होता है, क्योंकि हम थोड़ा पेट्रोल की बात कर ली है, फ्यूल के बारे में जान लिया, नाउ वी कम टू द फिनोमेना ऑफ कम्बस्चन। तो कम्बस्चन के अंदर हमारे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, दैट मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ गैस और दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, क्योंकि जो इंटरनल कम्बस्चन इंजन होता है उसके अंदर या तो गैसियस फ्यूल का इस्तेमाल होता है या लिक्विड फ्यूल का। स्टार्टिंग में कुछ सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया था पर वो सफल नहीं हुआ तो उसको बंद कर दिया। तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट द सॉलिड फ्यूल कम्बस्चन इन डिटेल, वी विल बी जस्ट लुकिंग वेदर वी कैन यूज द गैसियस फ्यूल और लिक्विड फ्यूल इन द इंटरनल कम्बस्चन इंजन और नॉट। तो इंजन से पहले कम्बस्चन को समझने के लिए कि कम्बस्चन क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा उस प्रोसेस के बारे में, उस चीज के बारे में जो कि हम अपने घरों में देखते हैं, और वो है एलपीजी बर्नर। तो एलपीजी बर्नर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे
एलपीजी बर्नर कैसे काम करता है, और उसे आप मतलब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, थोड़ा सा कर भी सकते हैं और करना भी चाहिए, थोड़ा सा कभी समझ में आता है। तो आप एलपीजी बर्नर को अगर देखेंगे नीचे से, तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि फर्स्टली नोजल इज बीइंग इंस्टॉल्ड, कि जहाँ पे एक नोब होती है जहाँ से गैस या फ्यूल आ रहा होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जहाँ पे एलपीजी बर्नर स्टार्ट होता है, लगा होता है, वहाँ पर एक नोजल या इस तरह का पार्ट होता है, ठीक है, नोब लगी होती है, नोब क्या की नोजल लगी होती है और नोजल पाइप से जुड़ा होता है। अब पाइप में जो गैस आ रहा है दैट विल कम एट हाई प्रेशर, वो सिलेंडर से आएगा और वो हाई प्रेशर पे आएगा। तो सो जो सिलेंडर है दैट इज बीइंग मेंटेन्ड एट हाई प्रेशर एंड दैट विल बी सप्लाइंग अस टू द एलपीजी। नाउ आफ्टरवर्ड देयर विल बी पाइप, एक पाइप होगा लंबा सा, इस पाइप के अंदर नोजल होता है और इस पाइप में यहाँ पर एक होल होता है, ठीक है, एक यहाँ पे छेद होता है और ये वाला पार्ट जो पाइप यहाँ पे इस तरह से होता है। आफ्टरवर्ड्स वी कम टू दी बर्नर पॉइंट, बर्नर पॉइंट पे जाते हैं हम। बर्नर के अंदर अगर आपको खोल के देख सकते हैं ऊपर का जो कैप होता है उसको आप इजीली उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें यहाँ पे बर्नर में ऊपर की तरफ होल्स होते हैं एंड देयर यू कैन रिमूव इट, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर एक जिसमें पाइप लगी होती है, ठीक है, और ये पाइप अंदर से होल होती है। तो इस पाइप का पर्पज क्या होता है कि जो सेक्शन है उसको ये बाकी से मतलब सिलिंड्रिकल सेक्शन, होलो सिलिंड्रिकल सेक्शन में एक हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। तो पहले इसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है। सो व्हेन गैस एलपीजी गैस विल बी कमिंग, इट विल बी कमिंग एट हाई वेलोसिटी एंड लो प्रेशर, क्योंकि सिंपल आपने नोजल का फंक्शन पढ़ा होगा, व्हाट डज ए नोजल डू, नोजल क्या काम करता है, नोजल करता है प्रेशर को कम करता है और वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। सो द फंक्शन ऑफ द नोजल इज टू डिक्रीज द प्रेशर एंड इंक्रीज द वेलोसिटी। सो प्रेशर विल बी डिक्रीज, क्योंकि यहाँ तो प्रेशर काफी ज्यादा था, हेयर प्रेशर विल बी डिक्रीज एंड वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। सिंपल प्रोसेस, नोजल का प्रोसेस है कि प्रेशर को कम करना है और वेलोसिटी को बढ़ाना है। अब क्योंकि प्रेशर कम हो गया लेकिन यहाँ पर जो एयर घूम रही है दैट इज एट हाई प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, यहाँ पर जो एयर है ये 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है, जो एयर यहाँ पर प्रेजेंट है दिस एयर इज एट हाई प्रेशर। सो व्हाट विल हैपन कि ये जो एयर है दैट विल एंटर और दैट विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो सम पार्ट ऑफ दिस एयर विल बी गोइंग फ्रॉम दिस होल इनसाइड द पाइप, और यहाँ पे ये क्या करेगा कि जो हमारे पास फ्यूल, फ्यूल इज बीइंग रिटन बाय एफ एंड हेयर वी हैव बीन गिवन सम एयर, सो फ्यूल एंड एयर विल बी मिक्स्ड। यहाँ पर ये जो फ्यूल और एयर है ये मिक्स हो गए, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों मिक्स हो गए हैं तो इस चीज को हम कह सकते हैं इट इज ए प्री मिक्स्ड मिक्सचर। तो इसे आप कह सकते हैं कि दिस मिक्सचर इज प्री मिक्स, इसे नोट कर लीजिएगा। इफ यू आर हैविंग सम प्री मिक्स्ड मिक्सचर एंड दिस मिक्सचर बर्न, और इस मिक्सचर को आप अगर बर्न करते हैं प्री मिक्स को, देन दिस विल बी कॉल्ड एज प्री मिक्स्ड कंबस्टन। इसमें आपने एयर और फ्यूल को मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स हो गए, प्री मिक्स थे वो, पहले से मिक्स कर दिए गए थे। तो अब इसका जो कंबस्टन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्री मिक्स्ड कंबस्टन, एंड दिस काइंड ऑफ कंबस्टन प्री मिक्स्ड कंबस्टन जिसमें एयर और फ्यूल को पहले मिक्स कर दिया गया है दैट इज मोस्ट एफिशियंट काइंड ऑफ द कंबस्टन, मोस्ट एफिशियंट, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। और जो हमारे पास गैसेज हैं आप देख सकते हैं कि गैस में ये करना आसान है, अगर यहाँ पर लिक्विड आ रहा होता तो लिक्विड के साथ इतना अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना बड़ा मुश्किल हो सकता। तो उसके बाद फिर ये एयर फ्यूल का मिक्सचर बन जाता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करता है। तो जब ये प्रोसीड करता है तो इस जगह पर ये क्या है, घूम जाता है, क्योंकि आपने रास्ता ही इसको ऐसे दिया है, ठीक है। तो जब आपने इसको घुमा दिया तो ये घूमते हुए ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, तो इस तरह की जो मोशन है कि ये घूमते 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज स्विरल मोशन, SWIRL। ये भी आप नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा शब्द आएगा कि स्विरल मोशन होता है, स्विरल होता है एक टंबल होता है। तो दिस काइंड ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज
स्विरल मोशन, ठीक है, इसका नाम है SWIRL, स्विरल मोशन। और अगर मान लीजिए जो मोशन है आप वो इस तरह की दे रहे हैं कि जो फ्यूल है वो इस तरह एयर फ्यूल ऐसे घूम रहा है, दिस काइंड ऑफ मोशन, आपने बना दिए, दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज टंबल। ये लिख लीजिएगा क्योंकि फिर जब वर्ड्स आते हैं तो हम कंफ्यूज आते हैं कि टंबल क्या है, स्विरल क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, तो थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से करते रहेंगे तो हमें क्लियर होता रहेगा कि स्विरल क्या है, टंबल क्या है। तो अब क्योंकि यहाँ पर स्विरल से बेनिफिट क्या है, स्विरल से बेनिफिट ये है कि एयर और फ्यूल विल बी मिक्स, इनकी मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी, तो एयर और फ्यूल की मिक्सिंग अच्छी होती है स्विरल मोशन की वजह से। कुछ केस में हमें टंबल देना पड़ता है, टंबल की वजह से अच्छी होती है वो। इंजन अगेन मैं जैसे आपको बताया कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें इंजन को डिजाइन करना है, इंजन जो डिजाइन बनेगा इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, तो ये मतलब कितना स्विल देना है, कितना टंबल देना है, ये दैट वी हैव टू डिसाइड, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना उसको स्विल देंगे, कितना टंबल देंगे। और यही काम एक इंजीनियर का होता है कि वो डिसाइड करता है इंजन के हिसाब से कि कितना मैं स्विल दूंगा या टंबल दूंगा। तो अब ये जो है स्विल या टंबल हो गया। इसके बाद फिर जब ये क्योंकि पार्ट में इसमें एयर और फ्यूल मिक्स हो जाता है, तो अब अगर मान लीजिए कि एयर फ्यूल मिक्स हो गया तो ये कम्बस्शन करने के लायक हो गया क्योंकि एयर है फ्यूल है, और फिर जैसे ही ये बाहर की तरफ आता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर इन होल से बाहर आता है, तो यहाँ पे आप दिया सलाई लेके तैयार खड़े रहते हैं या फिर लाइटर लेके तैयार खड़े रहते हैं, तो जैसे ही ये बाहर आएगा आप उसको दिया सलाई दिखा देंगे या लाइटर दिखा देंगे, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग ए स्पार्क। सो व्हाट द स्पार्क इज डूइंग, स्पार्क इज प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी टू फ्यूल एंड एयर मिक्सचर। तो स्पार्क बेसिकली क्या कर रहा है, स्पार्क इसको एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा है एयर फ्यूल के मिक्सचर को ताकि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। वंस द रिएक्शन विल स्टार्ट इट विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो इट विल बी गिविंग आउट द हीट एंड दैट हीट फर्दर विल बी टेकिंग आउट द रिएक्शन। तो वो जो हीट जनरेट हो गई तो वही हीट जो है फर्दर रिएक्शन को कैरी आउट करेगी, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो आगे रिएक्शन को भी कैरी आउट करती रहेगी। तो अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो होल है वो काफ़ी छोटा है और इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एयर नहीं दे पाता कि वो सारे का सारा फ्यूल बर्न हो सके, तो फिर जब फ्लेम बाहर की तरफ आती है, केमिकल रिएक्शन बाहर की तरफ आती है, तो ये सराउंडिंग से एयर को खींचती है या सराउंडिंग की एयर जो है वो इसकी तरफ आती है। तो जब सराउंडिंग की एयर इसकी तरफ आएगी देन दिस एयर विल बी मिक्स विद दिस, तो वो एयर भी यहाँ पर इसके साथ मिक्स हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं ये किस प्रोसेस से आ रही है, ये आ रही है डिफ्यूजन के प्रोसेस, ये वो जो एयर थी दैट इज बीइंग फ्लोइंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो हियर द रोल इज बीइंग प्लेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर जो कम्बशन होगा, कि कम्बशन थोड़ा सा वेल एस्टेब्लिश हो गया है फिर और एयर को खींच रहा है, तो यहाँ पर जो कम्बशन होगा वो डिफ्यूज कम्बशन या डिफ्यूज एयर कम्बशन होगा। So there may be a pre-mixed combustion and diffusion combustion. So you can see that diffusion will take some time and it will take more time to mix with this fuel. So this kind of combustion will not be as efficient this kind of combustion. ये जो diffusion combustion है वो उतना efficient नहीं होगा जितना कि pre-mixed होगा। So यहाँ पर जो है that part will be played by the diffusion combustion. So we can say that in the internal combustion engine or in the combustion we will be having two types of combustion, pre-mixed combustion and diffused combustion. But out of these, pre-mixed will be better than diffused. So इसीलिए जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनके अंदर हम कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं। Hello. कार्बोरेटर उसको प्रीमिक्स कर देते हैं। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है। सर अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो अभी अंदर एलपीजी जा रही है वो एयर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो सर जब बर्न होने लगती है तो उस समय फिर सर जो फायर होती है वो अंदर भी तो आ सकती है, उसके लिए फिर क्या प्रिवेंट, क्या मतलब सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं हम? यस दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फायर है that can go inside the cylinder also, क्योंकि ये जो फायर आपने लगा दी है that can move in the backward direction also, क्योंकि यहाँ पर तो फ्यूल और एयर हमारे पास अवेलेबल है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो जवाब है फ्लेम सीड। एक कॉन्सेप्ट है फ्लेम सीड, और ये मैं सोच रहा था कि मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, पर क्योंकि अब चलो क्वेश्चन आ गया है तो वी कैन डिस्कस अबाउट द फ्लेम स्पीड आल्सो। तो लेकिन मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड है। जैसे क्वेश्चन आता है, हेलो हाँ बताइए सर, मैं ये कह रहा था अभी 45 मिनट्स में सर फिर वो एंड हो जाएगी मीटिंग, अटेंडेंस ले लीजिए हमारी। अटेंडेंस में ले ली? अच्छा ठीक है, फिर कंटिन्यू कीजिए सर। तो जो फ्लेम स्पीड होती है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और फ्लेम स्पीड क्या कहता है मैं आपको अभी शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कि मान लीजिए कि यहाँ से मतलब कि ये जो होल है जहाँ से गैस बाहर आ रही है, दिस गैस इज फ्लोइंग एट और कमिंग आउट एट 30 मीटर पर सेकेंड। ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर आ रही है, और यहाँ पे मान लीजिए आपने कंबस्टन शुरू किया। अब ये जो कंबस्टन है इस पॉइंट पे, जो कि कंबस्टन या केमिकल रिएक्शन उसको बोल सकते हैं, दैट इज टेकिंग प्लेस। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसकी स्पीड इतनी है कि वो 30 मीटर पर सेकंड पे ये जो फ्लेम आ रही है उसको खा सकता है या फ्यूल को कंज्यूम कर सकता है। तो अगर ये दोनों मैच में है कि बेसिकली यहाँ पे जो कंबस्टन हो रहा है, जो रिएक्शन हो रही है, तो वो रिएक्शन आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो प्रोसीड करती है उसकी अपनी एक स्पीड होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन इनफाइनाइट स्पीड चलती है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की उसकी एक स्पीड होती है। तो वो जो स्पीड है कि केमिकल रिएक्शन अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन में देखेंगे या बैकवर्ड में देखेंगे तो कितनी स्पीड से जा सकती है,